एनर्जी में, आपकी एनर्जी तो निकल के आ गई है, नाइन ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे कोई विश फुलफिल आपकी इस मंथ में हो सकती है, मैं पहले आपसे बोल चुकी हूँ, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। वर्ल्ड ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आप काफी टाइम से जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, मे बी किसी ऑफर का वेट कर रहे थे, या किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, जॉब का वेट कर रहे थे, बिजनेस में प्रॉफिट का वेट कर रहे थे, वो इस वीक में आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए तीनों के तीनों कार्ड काफी पॉजिटिव आए हैं। निगेटिव साइकिल का एंड होना, आपकी विश फुलफिल होना, आपकी जो डिजायर्स हैं, आप अपने पेंटिकल्स को लेकर जैसी भी चीजें आपने सोची हुई हैं, वो सारी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से, वो भी फुलफिल होते हुए मुझे दिख रही है। तो मैं पहले आपके करियर रिलेटेड बताना चाहूंगी कि करियर में आप एक कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में प्रॉफिट देख सकते हैं अपने बिजनेस में। एजुकेशन में आप पढ़ाई से रिलेटेड, मींस आप अभी तक जिस अपॉर्चुनिटी को सीख कर रहे थे, अगर आप जॉब सीकर होंगे तो वो भी आपके पास आ सकती है, या आप किसी कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे थे तो आप इस कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं इस वीक में। आप मुझे बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड लग रहे हो, आप देख रहे हो इस वर्ल्ड कार्ड को, चारों तरफ अगर एनर्जी प्रेजेंट है तो कुछ यूनिवर्स आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। मे बी आप अभी तक जिस सिचुएशन में स्टक चल रहे थे ना, उनसे बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स का बहुत आपको साथ मिला हुआ है इस वीक में, ठीक है, तभी आपकी ये विश है, आपके डिजायर है, वो फुलफिल हो रही है। एक साइड कप है तो एक साइड पेंटिकल है, एक साइड आपके पास लव ऑफर से रिलेटेड आप अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो इस वीक में मिल सकता है, दूसरे साइड अगर आप पेंटिकल्स पे फोकस थे, सही से काम नहीं कर रहे थे आपके पेंटिकल, तो वो आपकी सिचुएशन सही हो सकती है, समझ रहे हो ना। अब वर्ल्ड कार्ड बीच में, जितनी भी निगेटिव चीजें चल रही थी आपकी लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो सारी दूर होंगी, ओके, और एक पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव एनर्जी में आप आ सकते हो। तो काफी अच्छा वीक आपको स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई अगर आप ऐसे ही बैठे हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी आपने जो भी स्ट्रेटजीज, जो भी प्लानिंग बनाई हुई है उस पर काम करना तो शुरू करिए, खुशियां आपका वेट कर रही है, बट एफर्ट्स तो लगाइए, ओके। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। 10 ऑफ पेंटिकल, वो भी काफी पॉजिटिव एनर्जी में है, उनका फोकस भी पेंटिकल्स पे है, देखिए पेंटिकल पेंटिकल कप, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, मैं बता दूं उनका फोकस भी आपको ऑफर देने का है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली के सपने, वो सारी चीजें देख रहे हैं, वो थिंकिंग मोड में जरूर होंगे फिलहाल, सोच रहे होंगे कि आपके साइड एक्शन लेके कैसे जाया जाए, बट वो इस वीक में एक्शन लेके आ सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्ड, तीनों एक्चुअली मैं बोलूंगी तीनों के तीनों कार्ड एक्शन ओरिएंटेड आए हुए हैं। ऑफर वो आपको ही देना चाहते हैं। अगर मुझे यहाँ पे किसी भी काइंड की निगेटिव सिचुएशन नहीं नजर आ रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई निगेटिव सिचुएशन होगी भी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस वर्ल्ड कार्ड के साथ, वो एक साइकिल है, जब वो साइकिल का जैसे एंड होगा, देखिए कुछ लोगों की जो नेगेटिव साइकिल वो इस वीक में एंड हो सकती है, और कुछ लोगों को थोड़ा सा पेशेंस और रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतनी ज्यादा खुशियां आपके पास आएंगी, ठीक है। तो काफी पॉजिटिव एनर्जी आई है निकल के आपके पार्टनर के साइड से, और देखते हैं कि और क्या एक्शन वो ले सकते हैं, किस एनर्जी में चल रहे हैं वो। हर्मिट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, आपको पता है ऑफर लेके क्यों आ रहे हैं आपके पास, ऐसा क्या अचानक से हो गया कि इनके माइंड में क्लिक कर गया कि आपके पास ऑफर लेके जाना चाहिए, छोटा ही सही ऑफर लेके जाना है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, छोटा ऑफर लेके ही आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, माइंड में क्लैरिटी आ गई है, कैसे आई है ये सारी चीजें, स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्स की वजह से। आपके पर्सन मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड लग रहे हैं, मे बी उन्होंने अभी तक उनको चीजें रियलाइज नहीं थी कि वो अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, आपके साथ उनको किस टाइप का ऑफर आपको देना चाहिए, कैसे न्यू बिगनिंग करना चाहिए, मे बी वो थोड़ा सा वेट कर रहे थे या प्लानिंग बना रहे थे, बट उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे शुरुआत की जाए। तो ये सारी चीजें जो की गई है ना, वो यूनिवर्स के साइड से की गई है, ठीक है। आपको थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स से, अगर इनके साइड से कोई एक्शन आता है या इनको किसी चीज का रिग्रेट होता है कि जो भी चीजें आपके साथ इन्होंने अराइज की हैं, नेगेटिव चीजें, ठीक है, अगर इनको रिग्रेट होता है तो आप बिल्कुल थैंक यू यूनिवर्स को बोलिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से इनमें थोड़ा सा बोलना चाहिए दिमाग आया है कि क्या करना चाहिए, है ना, क्लैरिटी आई है माइंड में।
ओके, तो आपके पार्टनर की मुझे पॉजिटिव एनर्जी लग रही, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बस उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए और आप पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। आप जैसा चाह रहे हैं, आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर्स है, वो फुलफिल होंगी। स्टार्टिंग में ही कार्ड निकल के आ गया था, मैंने ये खुद से नहीं निकाला, ये ऑटोमेटिक निकल के ही आया, तो वो आपको यही बताना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। जो पेशेंस रख लेता वो तो अपनी लाइफ में काफी आगे जाता है, और जो नहीं रख पाता है तो वो टेंशन में ही रहता है और अपने एफर्ट्स को वीक करता जाता है और कुछ अपनी लाइफ में गेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो मेरा आपको पर्सनल गाइडेंस यही रहेगा कि आप अपने एफर्ट्स को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब मैं और कार्ड निकालना चाहूंगी कि किस टाइप का वो एक्शन ले सकते हैं आपके साइड इस वीक में। सन, देखिए मैं कह ही रही हूँ कि आप पेशेंस तो रखिए जरा, आपकी विश आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी। सन कार्ड ने क्लैरिटी दे दी है, अब मैं उनके साइड से कोई कार्ड नहीं निकालना चाहूंगी, क्योंकि सन से बढ़ के अब कोई कार्ड नहीं आ सकता। सारी खुशियां सारी हैप्पीनेस वो आपके साथ देखते हैं जरूर, अगर उन्होंने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है, बट उनके बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, आपके साथ वो सारी न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मैं बस कार्ड निकालना चाहूंगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। मैं कह रही हूँ पेशेंस, वही कार्ड निकल के आ गया, सेवन ऑफ पेंटिकल। अपने पेंटिकल पे काम करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, एफर्ट्स लगाइए, है ना। जितना आप खुद पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपकी डिवाइन टाइमिंग पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। सन एंड मून दोनों के कार्ड आ गए, आपके इमोशंस मुझे लग रहा काफी ज्यादा हाई चले जाते हैं अचानक से। अगर आप एक मिनट में पॉजिटिव होंगे तो एक ही सेकंड में आप एकदम ही नेगेटिव थॉट में चले जाते हो। पॉजिटिव तो 1-2% थॉट्स आएंगे, बट नेगेटिविटी आपकी में 98% चली जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इन थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए, पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा खुद पे, स्पिरिचुअलिटी से आपको भी कनेक्ट होना है।